मुद मंगलमय संसमाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, आज लोगों की जो मानसिकता है और मानसिकता बिगड़ती चली जा रही है, इस पर किसी ने व्यंग किया है। लोग पूजा करते हैं और धर्म के नाम पर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन व्यवहार और आचरण किस प्रकार से बिगड़ता चला जा रहा है। लोग पूजा करने के साथ साथ माता पिता के साथ किस प्रकार दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इस पर किसी ने व्यंग किया है। मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश, बाप तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश। पत्थर के पुजारियों को, चाहे वो किसी की मूर्ति पूजा करने वाले, चाहे कबीर की ही क्यों ना पूजा करते हैं, पूजा करना अलग बात है। किसी महापुरुष की मूर्ति बनाई जाती है, उस मूर्ति को देखने से उस महापुरुष की याद आती है, उनके त्याग तप, उनके जीवन के चरित्र और आचरण, उनकी साधना, उनकी उच्चतम रहनी, इन सबों की याद आती है। और यदि मन में जागृति हो तो उनके बताए पथ पर चलने की प्रेरणा आती है, एक प्रेरणा जगती है मन में। लेकिन हम ये सब कुछ नहीं करते, केवल पूजा करते हैं। घर में जो जीवित देवता है, माता पिता या अन्य घर के सदस्य, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो पूजा सार्थक कैसे होगी, पूजा जीवन में उतरेगी कैसे, पूजा का अर्थ क्या है। पूजा का अर्थ है मन का सरल, कोमल और विनम्र बनना। पूजा का अर्थ है अपने इष्ट के लिए समर्पण भावना। और जिस आदमी का अपने इष्ट के लिए निश्चल प्रेम होगा, समर्पण भाव होगा, वह आदमी कभी भी दूसरे के इष्टों का अनादर अपमान नहीं करेगा। जिस आदमी का अपने इष्ट के लिए पूज्य भाव होगा, वह आदमी कभी भी दूसरे के इष्टों के लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। जिस आदमी के मन में, जिस शिष्य या जिस भक्त के मन में अपने गुरु के लिए भक्ति भावना होगी,
वह व्यक्ति कभी दूसरे के गुरु को छोटा सिद्ध करने का प्रयास नहीं करेगा। और आज स्थिति यह हो गई है कि कैसे हम दूसरे के गुरुओं को छोटा सिद्ध करें, कैसे हम दूसरे के जो इष्ट हैं, उपास्य हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा अनादर, अपमान, तिरस्कार करें, उनके लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग करें। और ऐसा करने वाले लोग न तो अपने गुरु को समझ पाते हैं, न अपने इष्ट को समझ पाते हैं, और न ही उनके मन में कोई भक्ति भावना है, न ही धर्म के संस्कार हैं। जमीन के लिए लड़ाई होती है, जायदाद के लिए लड़ाई होती है, रुपये पैसे खेत खलिहान के लिए लड़ाई होती है, पद प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई होती है, तो बात समझ में आती है। धर्म और भगवान के लिए लड़ाई, यदि धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है तो अधर्म के नाम पर क्या होगा? भगवान के नाम पर लड़ाई हो रही है तो शैतान के नाम पर क्या होगा? फिर ये धर्म और भगवान के नाम पर लड़ने वाले लोग दिखने में भले मनुष्य के समान दिखाई पड़ते हों, लेकिन ये सब के सब, चाहे किसी मतपंथ संप्रदाय के हों, ये सब के सब मरकहे बैल हैं। इल्ले कबीर को आज से 550 साल पहले कहना पड़ा था, राम ही सुमरे रन भीरे, फिरे और की गैल, मानुष केरी खोलरी ओढ़ फिरत हैं बैल। जो राम का रहीम का सुमिरन करता है, राम रहीम का भजन कीर्तन करता है, किंतु फिरे और की गैल आचरण शैतान का करते हैं, ऐसे लोग मनुष्य की खाल ओढ़ करके मानो बैल घूम रहे हैं। धर्म क्या है? धर्म कहीं मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, मठ में नहीं है। धर्म जीवन के आचरण में है। इसलिए ऋषियों ने कहा था, श्रुताम धर्म सर्वस्वं श्रुता च धार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशामना समाचरे। धर्मों के सार को सुनो और सुन करके धारण करो। वह इतना ही है जो हम अपने लिए नहीं चाहते वह दूसरों के साथ करना बंद कर दें। इसको सकारात्मक रूप से यदि कहें तो कहा जा सकता है, दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो व्यवहार हम अपने लिए दूसरों द्वारा चाहते हैं। अब आप हम सब सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम अपने लिए क्या क्या नहीं चाहते। अनादर, अपमान, कटुवाणी, कठोर व्यवहार, झूठ, छल, चोरी, दुखदायी कर्म, बस ये दूसरों साथ करना बंद कर दें। वो कौन सा मत मानता है ये बात भुला दें, क्योंकि किसी भी मत का मानने वाला व्यक्ति हो वह केवल मनुष्य है। हम और आप पहले मनुष्य हैं बस, उसके पश्चात कुछ और हैं। और जो मनुष्यता को नहीं समझ पाता वो आत्मा को, परमात्मा को, देवी और देवता, भगवान और भगवती, पूजा और धर्म को क्या समझेगा?
सबसे बड़ा धर्म है मनुष्यता, सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। मैं मनुष्य हूं, मेरे सामने आने वाला व्यक्ति, खड़े हुआ व्यक्ति या बैठा हुआ व्यक्ति, दिखाई पड़ने वाले व्यक्ति, वो भी मनुष्य है बस। और जैसे मुझे कटुवाणी प्रिय नहीं है उसको, वैसे उसको भी कटुवाणी प्रिय नहीं है। जैसे मुझे प्रेम सम्मान और मीठी वाणी प्रिय है, वैसे उसको भी, सामने वाले को भी प्रेम सम्मान और मीठी वाणी प्रिय है। ये कौन सी बड़ी बात है? अब इतनी सी बात जिसकी समझ में नहीं आ रही है, उनको मनुष्य कैसे कहा जाए, उनको धार्मिक भी कैसे, वो मनुष्य ही नहीं बन पाए हैं तो धार्मिक क्या हो पाएंगे वो लोग? इसलिए पहले मनुष्यता को समझना होगा। और सद्गुरु कबीर इसी मनुष्य धर्म की वकालत करते हैं, जाति वर्ण मत मजहब संप्रदाय ये हमारे और आपके बनाए हुए हैं, मनुष्यों के बनाए हैं। किसी भगवान ने, राम रहीम ने, ईश्वर अल्लाह ने जाति वर्ण मत मजहब संप्रदाय नहीं बनाए, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा मठ नहीं बनाया। जिन बातों को लेकर के आज विभिन्न मतों के अनुयायी आपस में लड़ रहे हैं, ये सब के सब न तो कुदरत ने बनाया, न प्रकृति ने बनाया, न किसी ईश्वर अल्लाह ने बनाया, इन सब को मनुष्यों ने ही बनाया है। चाहे कुदरत कह लो आप, चाहे प्रकृति कह लो, अब कोई उसको भगवान कहता है, ईश्वर अल्लाह कहता है, उसकी मर्जी, उसने आदमी बनाया बस। और आदमियां छोटी हो गई, लोग मानते हैं, मान्यता लोगों की है कि कहीं एक ईश्वर है, अल्लाह है, और उसी ने हम लोगों को पैदा किया है। दुर्भाग्य यह है जिसे वो सर्वोपरि मानते हैं, ईश्वर अल्लाह सर्वशक्तिमान मानते हैं, उसका बनाया इंसान छोटा हो गया और इंसान का बनाया मंदिर मस्जिद मठ गुरुद्वारा बड़े हो गए। लगता है कि आज आदमी अपने भगवान की अकल को दुरुस्त करने में लग गया है, उनके भगवानों को, उनके ईश्वर अल्लाह को अकल नहीं आई थी, वे समझ नहीं पाए थे, और आज उनके भगत लोग अपने अपने भगवान ईश्वर परमात्मा खुदा गाड़ के अकल को ठीक कर रहे हैं। अपनी अकल ठीक कर ले, फिर किसी और की अकल को ठीक करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए मनुष्यता को समझना होगा, सुख से कैसे जिए ये समझना होगा, मरने के बाद कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा, किसकी मुक्ति होगी, किसका बंधन होगा, ये सारी बातें बेकार की बातें हैं। जीते जी हम स्वर्ग का अनुभव कैसे करें, जीते जी हम मुक्ति का अनुभव कैसे करें, ये सोचना होगा। वैसे हमारे भारत में जितने भी लोग मरते हैं, चाहे कोई भी मरता हो, चाहे एक सज्जन की मृत्यु होती हो, एक संत की मृत्यु होती हो, एक धार्मिक की मृत्यु होती हो, एक दुर्जन की मृत्यु होती हो, एक हत्यारा कसाई की मृत्यु होती हो, सबका स्वर्गवास ही होता है। नरकवास आज तक कभी किसी का हुआ नहीं। अब इधर इस क्षेत्र में किसी का नरकवास होता हो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जहां तक मैं घूमा हूं वहां तक मैं सोचता हूं कि अमुक आदमी का स्वर्गवास हो गया। हत्यारा है तो भी स्वर्गवास, कसाई है तो भी स्वर्गवास, ये स्वर्गवास की टाइटल है बस।
मरने के बाद आपके नाम में अपने आप स्वर्गवासी की टाइटल लग जाएगी, भले नरक में दुख भोगते रहो, लेकिन तो आपके घर वाले यही कहेंगे कि स्वर्गीय या स्वर्गवासी, ये टाइटल का स्वर्ग काम नहीं आएगा, जिंदगी का स्वर्ग काम आएगा। जीते जी स्वर्ग, किसी से पूछो कि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, कौन आदमी नहीं कहेगा कि जाना चाहता हूं, हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है। उसे कहा जाए कि चलो मेरे साथ स्वर्ग, तो कहेगा क्या अभी मार डालोगे क्या, अभी तुम्हें जिंदा हूं, जिंदा रहते स्वर्ग नहीं जाना चाहता आदमी, मरने के बाद धोखा। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है संतों जीवत ही करो आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। ऐ संतों जीते जी आशा करो, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, ऐसा कहने वाले झूठे गुरु हैं। और झूठे गुरुओं के चक्कर में दुनिया के अधिकतम लोग पड़े हुए हैं। जीते जी स्वर्ग, लेकिन जीते जी स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ेगा। वो मरना क्या है, शरीर का मरना नहीं, अंदर के अहंकार का मरना, अंदर के जो स्वार्थ है इस स्वार्थ का मरना, अंदर के जो राग द्वेष है इस राग द्वेष का मरना। स्वार्थ मर गया मतलब स्वार्थ पर संयम हो गया, मरने का मतलब क्या है संयम, अहंकार पर संयम हो गया, राग द्वेष पर संयम हो गया, आज मुक्ति हो गई। मुक्ति कोई अजूबी चीज नहीं है, जिसके मन में किसी के लिए राग नहीं है द्वेष नहीं है, जिसके मन में स्वार्थ नहीं है अहंकार कामना नहीं है, जीते जी वो स्वर्ग वो मुक्त है, जीते जी स्वर्ग में निवास कर रहा है, जीते जी मानो से परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। कहा जाता है एक जिज्ञासु साधक भगवान के दर्शन पाने के लिए संतों के पास जाता था, भटक रहा था दर दर। जिस संत के पास जाता था उसे ये कहता था कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं, भगवान को देखना चाहता हूं, क्या करूं, आप मुझे भगवान के दर्शन का उपाय बताएं। संत कहते अभी तक हमने भगवान के दर्शन नहीं पाए हैं तो तुम्हें दर्शन कैसे करवा दें। भटकता भटकता जिज्ञासु साधक एक संत के पास पहुंचे। संत ने कहा क्या सचमुच में तुम भगवान को देखना चाहते हो, भगवान के दर्शन करना चाहते हो, क्या हां इसलिए तो भटक रहा हूं। तो संत ने कहा मैं तुम्हें भगवान के दर्शन करवा सकता हूं, लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए तुम्हें तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा, और जिन नेत्रों से तुम दुनिया को देखते हो उन नेत्रों को बंद करना पड़ेगा, और जब तक जिन नेत्रों से दुनिया को देख रहे हो तुम्हारे ये दोनों नेत्र बंद नहीं होंगे तब तक तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलेगा नहीं और तुम भगवान के दर्शन नहीं कर पाओगे। पहले तुम दोनों नेत्रों को बंद करो जिनको जिनसे दुनिया को देखते हो। तो साधक ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया और कहा देखिए अब मैंने अपने नेत्रों पर अपनी आंखों पर पट्टी बांध दिया, बताएं तीसरा नेत्र कैसे खोलूं, कैसे खुलेगा वह। संत ने कहा इन आंखों को बंद करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, जिन आंखों को बंद करना है वे आंखें दूसरी आंखें हैं,
वे आंखें कौन से हैं? राग के नेत्र हैं और द्वेष के नेत्र हैं। जहां अनुकूलता मिलती है तुरंत हमारे मन में राग बन जाता है, जहां प्रतिकूलता मिलती है तुरंत हमारे मन में द्वेष बन जाता है। किसी आदमी ने कभी हमारे साथ सुंदर व्यवहार किया, हमें कुछ दिया था, सम्मान किया था, सहयोग किया था, सामने आया तुरंत हम राग पूर्वक उसको देखते हैं, ये बढ़िया आदमी है। किसी आदमी ने हमारे साथ कभी गलत व्यवहार किया था, कुछ छीन लिया था, हमें तकलीफ दी थी, हमारा अपमान किया था, सामने आते ही हम समझ जाते हैं कि एक गलत आदमी, द्वेष का नेत्र खुल जाता है। हम दुनिया को या तो राग के नेत्र से देखते हैं या द्वेष के नेत्र से देखते हैं, और जब तक ये राग और द्वेष के नेत्र खुले रहेंगे तब तक तीसरा नेत्र खुलेगा नहीं, और तीसरा नेत्र जब खुलेगा नहीं तब तक ना आत्मा साक्षात्कार होगा, ना ब्रह्म साक्षात्कार होगा, ना ईश्वर साक्षात्कार होगा। और तीसरा नेत्र क्या है? तीसरा नेत्र है समता का नेत्र, प्रेम का नेत्र। और ये समता प्रेम का नेत्र तभी खुलेगा जब राग और द्वेष दोनों पर हमारा संयम हो जाएगा। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा, जैसी कहे करे पुनि तैसी राग द्वेष निर्वारे। ज्ञान की बातें जैसी कही जा रही है वैसे जीवन का आचरण हो, कथनी और करनी में एक रूपता हो, सामंजस्य हो। आज हमारी कथनी बहुत आगे बढ़ गई है और करनी के नाम पर हम शून्य होते चले जा रहे हैं। कथनी मीठी खारसी, करनी विष की लोय, ये कबीर साहब कहते हैं। कथनी ऐसी है मतलब मीठी खांड के समान मीठी, और करनी विष की लता के समान है, एक रूपता ही नहीं है। ज्ञान की बातें जान लेना, ज्ञान की बातों को रट लेना, ज्ञान की बातों का प्रवचन कर लेना, दोहरा लेना, ये ज्ञान नहीं है, जवानी सौदा है। हम कहते हैं, लोगों को समझाते हैं और खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। साहब ने बीजक में एक पद कहा है, पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। ये बात कल पंडितों के लिए नहीं है, पुरोहितों के लिए नहीं है, ज्ञान की कथा कहने वाले सभी के लिए हो, चाहे पंडित हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे मौलवी हो, चाहे पादरी हो, चाहे साधु हो, चाहे महात्मा हो, चाहे गुरु हो, चाहे महंत हो, ये जितने भी ज्ञान की कथा करने वाले हैं सबके लिए ये बात है। हम जब मंच पर आ जाते हैं, मंच पर आकर बैठते हैं, हमारे सामने माइक आ जाता है, हमारा ज्ञान का भंडार खुल जाता है, एक से एक बढ़ करके हम बढ़िया से बढ़िया ज्ञान की बातें बताते हैं। और जैसे सामने से माइक हटता है, मंच हम उतरते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है, खुल जाता है अज्ञान का कपाट। वही लोभ, वही मोह, वही राग, वही द्वेष, वही लोभ लालच, वही ईर्ष्या घृणा, वही छल कपट, ज्ञान की बातों को रट लेने मात्र से हम ज्ञानी नहीं, कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। और जो कहानी है केवल हम रट रहे हैं, दोहरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। कहानी सब जानते हैं, दोहरा देता हूं मैं। एक बहेलिया जंगल जाता था, तोतों को फंसा, सुग्गों को फंसाता था,
और ले जाकर बाजार में बेचता था। एक दिन बहेलिया जंगल से सुग्गों को पकड़ करके बाजार में बेचने ले जा रहा था। एक संत ने देखा और पूछा, तुमने जंगल में आकाश में उड़ने वाले स्वच्छंद परिंदों को क्यों फंसा रखा है, कहाँ ले जा रहे थे? बहेलिया ने कहा, महाराज मैं रोज जंगल जाता हूँ, सुग्गे फंसाता हूँ, बाजार में बेचता हूँ, पैसा मिलता है, इससे अपना और परिवार वालों का भरण पोषण करता हूँ, मेरा तो धंधा यही है, इसी से मेरी जीविका चलती है। तो महात्मा ने उन सुग्गों को खरीद लिया और ले गए अपने आश्रम में और सुग्गों को पढ़ाना शुरू किया। सुग्गे पढ़ो, बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय में नहीं फंसूंगा। पढ़ाते पढ़ाते कुछ दिनों में सारे सुग्गे अच्छी तरह से इसको याद कर लिए। अच्छी तरह से याद कर लिए तो महात्मा ने सोचा, अब सुग्गे ज्ञानी हो गए हैं, अब फंसेंगे नहीं, ले जाकर जंगल में छोड़ दिए सभी सुग्गों को। और जंगल में छोड़ दिए तो सुग्गे यही गाने लगे, बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय में नहीं फंसूंगा। उन सुग्गों के कहते रहने से जंगल के सारे सुग्गे इसको याद कर लिए। एक पूरी जंगल में ही आवाज गूंजने लगी, सभी सुग्गों ने रट लिया, बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय में नहीं फंसूंगा। बहेलिया आया, जंगल में घुसते ही आवाज आ गई, बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय में नहीं फंसूंगा। बहेलिया तो घबरा गया, सुग्गे बड़े ज्ञानी हो गए हैं, समझदार हो गया, फंसेंगे नहीं मेरे जाल में। लौटा निराश होकर। किसी ने पूछा बीच रास्ते में, तो अभी तो तुम जंगल गए थे, तुरंत कैसे लौट गए? सारी बातें बताई उसने। कहा, तुमने जाल बिछाया या नहीं बिछाया? कि जाल तो नहीं बिछाया। अरे जाके बिछा कर तो देख जरा। बहेलिया गया, जाल बिछाया, दाने डाला और एक किनारे पेड़ के नीचे बैठ गया। सुग्गों ने देखा दाने पड़े हुए हैं, उड़ उड़ करके सुग्गे जाल पर आते गए और बैठते चले गए। बहेलिया ने जाल खींचा, अनेक सुग्गे फंस गए। अब फंसने के बाद सुग्गे गा रहे हैं, बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय में नहीं फंसूंगा। फंसे हुए अब गा रहे हैं, निश्चय में नहीं फंसूंगा। बहेलिया ले गया जंगल में बेचने के लिए, वहां भी सुग्गे गा रहे हैं, बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय में नहीं फंसूंगा। एक कहानी है, पता नहीं सुग्गे फंसे न पते, वो सुग्गे हम ही लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं और कोई दूसरा नहीं है। ज्ञान की बातें बहुत हाँकते हैं, न लोभ न लालच न मोह न माया न राग न द्वेष, कुछ तो नहीं छूटा है। ये मन का जो जाल है, माया का जो जाल है, क्या निकल पा रहे हैं इससे? राग द्वेष का जो जाल है, क्या निकल पा रहे हैं इससे? ज्ञानी होने का जो अहंकार है, अज्ञान की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक होता है। अज्ञानी आदमी को आप ना समझ आदमी को समझा कर सही रास्ते पर ला सकते हो, लेकिन जिसे अहंकार है मैं ज्ञानी हूं, बहुत समझदार हूं, उसे ब्रह्मा भी समझा नहीं सकेगा। यही तो दुख का कारण है। मैं ये कह रहा था कि तीसरा नेत्र समता का नेत्र, प्रेम का नेत्र, न किसी से राग, न किसी से देश, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, तटस्थता, उदासीनता। इसका मतलब लापरवाही नहीं है। जो अनुकूल व्यवहार कर रहा है उसे भी धन्यवाद, जो प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है उसे भी धन्यवाद, उसके लिए भी कल्याण कामना। अनुकूल व्यवहार करने वालों के लिए कल्याण कामना, प्रतिकूल व्यवहार करने वालों के लिए कल्याण कामना। किसी के लिए भी मन में
न राग हो न द्वेष हो, जीते जी स्वर्ग का अनुभव हो जाएगा। यही तो प्रेम है। प्रेम जहां होगा वहां राग नहीं होगा, वहां द्वेष नहीं होगा। जब राग आता है तब फिर अन्याय शुरू होता है, द्वेष आता है तो अन्याय शुरू होता है, लेकिन प्रेम में अन्याय नहीं होगा किसी के लिए। अब प्रेम में केवल देना होता है, केवल देना होता है, पाने की भावना नहीं होती है। तो जीते जी अपने घर को हम स्वर्ग कैसे बनाए, जीवन को स्वर्ग कैसे बनाए, ये सोचना होगा। अब यह तो नहीं आ रहा है, चीजें बढ़ गई है, संपन्नता बढ़ गई है, रहन सहन में काफी परिवर्तन आ गया है, मन कितना बदला है, महत्वाकांक्षा बढ़ गई, अहंकार बढ़ गया, लोभ लालच बढ़ गया, सहनशीलता घट गई, असहनशीलता बढ़ गई, थोड़ी थोड़ी बातों में लड़ाई हो रही है, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए लोग फांसी लगा रहे हैं, जहर खा जा रहे हैं। अब ये सब करने वाले भी पूजा करते हैं, ये सब करने वाले भी किसी भगवान भगवती के भगत हैं। एक अधार्मिक आदमी है जो धर्म को मानता ही नहीं है, जो आत्मा परमात्मा को मानता ही नहीं है, वह लड़ाई करता हो तो बात समझ में आती है। एक अधार्मिक आदमी दुखी हो, एक अधार्मिक आदमी टेंशन में पड़ा हुआ हो, चिंता में डूबा हुआ हो तो बात समझ में आती है। लेकिन जो अपने को धार्मिक कहता है, अपने को आत्मवादी कहता है, अपने को परमात्मवादी कहता है, वो आदमी टेंशन में पड़ा हुआ है, चिंतक मारे उस आदमी को नींद नहीं आ रही है, कैसे उसे धार्मिक माना जाए, कैसे उसे साधु और महात्मा माना जाए। एक संसारी आदमी जिसके साथ पत्नी है, बच्चे हैं, मां बाप है, तमाम जिम्मेदारी है, तमाम उसको अभी काम करना है, उसका भी टेंशन में रहना गलत है। क्योंकि टेंशन में रहने से फायदा कुछ नहीं होगा सिवा नुकसान के। काम करते जाएं, मेहनत करते चले जाएं, जो जब जैसा समय आएगा वैसा गुजर जाएगा, लेकिन फिर भी एक संसारी आदमी टेंशन में पड़ा हो तो बात समझ में आती है। एक साधु टेंशन में पड़ा हुआ हो, एक साधु की टेंशन मारे रात में नींद नहीं आ रही है, तो कौन सा साधु हुआ है फिर? वो कपड़े का साधु हुआ है। अभी शरीर साधु हुआ है, मन साधु नहीं हुआ है। जिस दिन मन साधु हो जाएगा टेंशन बंद हो जाएगा, जिस दिन मन साधु हो जाएगा झगड़ा खत्म हो जाएगा। बात मैं कह रहा था कि जीवन में स्वर्ग कैसे उतरे, मरने से, मरना पड़ेगा, लेकिन मरने के लिए आत्महत्या नहीं करना है। साहब ने कहा एक पद में, तब जानिया जब जीवत मुआ, जीवन के मर्म को तब समझा, अध्यात्म के रहस्य को तब समझा, जब जीते जी मर गया। जीवत मृतक को अंग कबीर साहब की साखियां इस पर। जीते जी मरना क्या है? जीते जी मरना है अनासक्त निष्काम निर्मोह हो जाना। जीते जी मरना है मन के अहंकार कामना लालसा महत्वाकांक्षाओं पर संयम कर लेना। हमारे गुरुदेव जी एक दोहा प्राय कहा करते थे, मस्त राम मुर्दे से पूछा, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। एक मस्त राम लेटा हुआ था, बगल में उसके एक मुर्दा पड़ा हुआ था,
उस मस्तराम नाम के आदमी ने बगल में पड़े हुए मुर्दा से पूछा, मुर्दा तुम मुझे कुछ बताओगे? मुर्दे ने कहा, जरूर बताऊंगा। तो मुर्दे में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। मुर्दा ने कहा, मर जाओ, मर जाओगे तो सब सुख मिल जाएगा। देखो मैं मर गया, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दुख कोई पीड़ा नहीं, तुम भी मर जाओ। कहने का तरीका है, यह मरने का अर्थ है मन का मर जाना, लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष अहंकार कामना का मरना। ये मर गया तत्काल जीवन में स्वर्ग का अनुभव हो गया, ये मर गया तत्काल जीवन में मोक्ष का अनुभव हो जाएगा। और यही काम कठिन है। सब काम हम करते हैं लेकिन लोभ लालच को छोड़ना। मंदिरों में आजकल बड़ी भीड़ लगी हुई है। किस मंदिर में? अमुक मंदिर की बात मैं नहीं कह रहा हूं, पर हर मंदिर में भीड़ लगती है आजकल। तो आज से 25-30 साल पहले जिन मंदिरों में भीड़ नहीं होती, जो कि जहां कोई जाता भी नहीं था, आज उस मंदिर में सैकड़ों हजारों की भीड़ हो रही है। सुबह सुबह निकलो, लाइन लगी रहती है भक्तों की मंदिर में दर्शन करने के लिए। और उन लोगों को देखकर लगता है कि आज के लोग बड़े धार्मिक हो गए हैं। हाथ में दोना में प्रसाद है, फूल है, अगरबत्ती है और घंटों खड़े हुए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। लगता है बड़े धार्मिक हैं। धार्मिक नहीं, सब लालची और भिखारी लोग हैं। सब हमें कोई ना कोई लालच है कि हम भगवान के यहाँ जा रहे हैं, दहें फूल चढ़ाएंगे, भगवान खुश हो जाएगा, हमारी कामना पूरी कर देंगे, याचना है। छोटे भिखारी आपके दरवाजे पर आते हैं, बड़े भिखारी मंदिर में जाते हैं। और जहां लोभ है वहां धर्म नहीं होगा, जहां लोभ है वहां स्वर्ग का अनुभव नहीं होगा, जहां लोभ है वहां प्रेम नहीं होगा, जहां लोभ है वहां त्याग नहीं होगा। और जहां धर्म ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, त्याग ही नहीं है, वहां स्वर्ग मिलेगा कैसे, स्वर्ग का अनुभव कैसे होगा? मंदिर जाए आप, जाते हैं अच्छी भावना, लेकिन लोभ ले सके कुछ मांगने के लिए मत जाओ। एक सज्जन मिले, बुजुर्ग थे, 70-75 साल की उम्र हो गई रही होगी। उस बुजुर्ग सज्जन ने कहा, महाराज 50 साल से भगवान की भक्ति कर रहा हूं, 50 साल से मंदिर जा रहा हूं और पूजा कर रहा हूं, नाम भी जपता रहता हूं भगवान का। कि महाराज 50 साल बीत गए सब करते करते, आज तक शांति नहीं मिली। मैंने पूछा, क्यों? भगवान की भक्ति कर रहे हो, 50 साल से भक्ति कर रहे हो, 50 साल से पूजा कर रहे हो, 50 साल से नाम जप रहे हो, शांति क्यों नहीं मिली? कि महाराज समझ में बात नहीं आती। मैंने उनसे पूछा, भगत जी ईमानदारी से बताइएगा, आप कह रहे हैं कि 50 साल से भक्ति कर रहा हूं, 50 साल से पूजा कर रहा हूं, भगवान का नाम जप रहा हूं, ईमानदारी से आप बताइए कि 50 साल भक्ति करते करते कभी आपने कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ केवल मुझे मन की शांति चाहिए, कभी शांति मांगी आपने? आपने धन मांगा, कहा महाराज भगवान कृपा करना बेटे को नौकरी लग जाए, पत्नी की बीमारी दूर हो जाए, व्यापार में मुनाफा हो जाए, मुकदमा में विजय हो जाएगा, वो चीज आपने मांगी, वो चीज आपके पास है? शांति कभी मांगी ही नहीं आपने, उसके लिए काम ही नहीं किया। लोग आते हैं महात्माओं के पास दर्शन करने के लिए, कहते महाराज गुरु जी आशीर्वाद दे दीजिए। कौन सा आशीर्वाद चाहिए भाई?
कितने लोग हैं जो कहते हैं कि गुरुदेव जी मुझे आशीर्वाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास ऐसी कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं जीवन में सदैव शांत रहूं, मेरे मन में हमेशा संतोष बना रहे। कभी आपने इसके लिए काम किया? कभी इसके लिए आपने प्रार्थना की? कभी इसके लिए आपने याचना की? जब मन में शांति ही नहीं है, मन में संतोष ही नहीं है, तो स्वर्ग का अनुभव कैसे होगा, मुक्ति का अनुभव कैसे होगा? जिसके मन में शांति है, जिसके मन में संतोष है, उसके लिए हर जगह स्वर्ग ही स्वर्ग है, उसे भटकने की कोई जरूरत नहीं है। और जब शांति संतोष है तो मन में प्रेम तो जरूर ही होगा। जिसके मन में शांति संतोष है वो लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार करेगा, शांति संतोष है तो कामना तो होगी नहीं। इसलिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम भटक गए हैं धर्म के नाम पर, हम भटक गए हैं पूजा पाठ, हमने पूजा और धर्म को केवल अपनी इच्छा पूर्ति का साधन मान रखा है और इच्छा कभी किसी की पूरी हुई ही नहीं है। मेहनत करते जाएं, जीवन निर्वाह के लिए जब जिसकी आवश्यकता होगी वो चीज आपको मिलती चली जाएगी। बस दुर्व्यसन से बच करके रहो और फिजूल खर्ची से बच करके रहो। जब जिस काम को करने का अवसर मिले ईमानदारी पूर्वक समर्पित भाव से पूजा हो करके करो, चाहे झाड़ू लगाना हो, बर्तन मारना हो, नाली साफ करना हो, कपड़ा धोना हो, कोई भी काम करने में संकोच मत करो। जो भी काम करना पड़े प्रसन्नता से करो, उस काम के परिणाम में जो मिले उसमें संतोष रखो, दुर्व्यसन मत करो और फिजूल खर्ची मत करो। कभी भी जीवन निर्वाह की चीजों की कमी नहीं होगी। अब इसके बाद मन की जो गंदगी है उसे दूर करने के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मन में शांति संतोष के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसी के लिए ज्ञान है, उसी के लिए भक्ति, उसी के लिए साधु संगति, उसी के लिए सत्संग है। इस सत्संग में क्या मिलेगा आपको? खर्चा आपने किया, समय आपने दिया, दूर दूर से चल करके आप आए। किस लिए आए? धन पाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, सम्मान पाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, खाने पीने के लिए आप कहीं नहीं आए हैं, कोई भी यहाँ नहीं आया खाने पीने के लिए। सिर्फ एक भाव लेकर आए हैं कि सत्संग में जा रहे हैं। जीवन को कैसे जिया जाए, सौभाग्य से जो जीवन मिला हुआ है, इस जीवन का सौभाग्य कैसे बना करके रखा जाए, कैसे जीवन को हम अच्छे ढंग से जिए और अच्छे ढंग से जी करके इसी जीवन में स्वर्ग और मोक्ष दोनों का अनुभव कर सके। यहां सिर्फ प्रेरणा दी जाती है, बस उस प्रेरणा को हमें ग्रहण करना है और ग्रहण करके जीवन में उतारना है। तो बात इतनी ही है। धर्म के नाम पर लड़ाई कभी नहीं होती, लड़ाई अधर्म के नाम पर होती है। भगवान के नाम पर लड़ाई कभी नहीं होती, लड़ाई सदैव शैतान के नाम पर होती है। और मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा? झूठी बात है। स्वर्ग जीवन की वस्तु है, दूसरों के लिए प्रेम कम और अपने लिए मेहनत, मेहनत में मिलेगी उसमें संतोष और अच्छे विचारों से मन में शांति, फिर स्वर्ग का भी अनुभव और मोक्ष का अनुभव इसी जीवन में हो जाएगा और हमारा मानव जीवन पाना, पूजा पाठ, भक्ति, सत्संग करना सब सार्थक हो जाएगा। इस बात को समझना है, समझ कर दिशा में आगे बढ़ना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए।